हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल गेमिंग यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आज की वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं मांबा की यूट्यूब अर्निंग, 8-bit गोल्डी, डायनामो, जोनाथन ऑन पबजी मोबाइल इंडिया और भी कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अपनी पहली न्यूज आई गाइस नियो को लेके। तो गाइस नियो ने इंस्टाग्राम पे अपडेट दिया क्योंकि उनको उनका सिल्वर प्ले बटन मिल चुका है। अपनी अगली न्यूज आई गाइस 8-bit गोल्डी को लेके। तो गाइस 8-bit गोल्डी ने अपडेट दिया कि वो वीकेंड पे ही सिर्फ स्ट्रीम कर पाएंगे कुछ दिनों तक क्योंकि उनको ऑफिस में काम है। अपनी अगली न्यूज आई गाइस स्काउट को लेके। तो गाइस ने अपडेट दिया कि वो भी जहाँ गए थे वहाँ का उन्होंने 3 व्लॉग शूट किए, एक चंडीगढ़ का, एक मनाली का और एक स्पेशल व्लॉग है। तो लेट्स सी कि गाइस स्काउट की तरफ से ये तीनों व्लॉग अपन को कब तक देखने को मिलते हैं। अपनी अगली जरिए गाइस मॉडल को लेके। तो गाइस मॉडल ने बताया कि उन्होंने न्यू मेंबरशिप निकाली है जिसका नाम है एनिमे विद मॉडल। अगर आपको गाइस एनिमे देखना हो मॉडल के साथ तो आप वो मेंबरशिप को बाय कर सकते हो। और मॉडल ने ये बोला कि सिर्फ उस मेंबरशिप के लिए एक अलग से डिस्कॉर्ड सर्वर भी बनाने वाले हैं। अपनी अगली न्यूज जरिए गाइस जोनाथन को लेके। तो गाइस जोनाथन ने रिएक्ट किया स्काउट के ऊपर। तो जोनाथन ने ये बोला कि स्काउट और उनके बीच में सब कुछ शॉर्ट है। जोनाथन ने ये बोला कि स्काउट उनको सिर्फ यही बोलते हैं कि अभी पबजी मोबाइल बैन है इसलिए उनको पबजी मोबाइल खेलने से मना करते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि स्काउट बहुत अच्छे हैं बट कभी कभी उनकी सटक जाती है। गाइस इस पे आप सभी का गाइस क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अपनी अगली जो गाइस 8-bit गोल्डी को लेके। तो गाइस 8-bit गोल्डी ने अपडेट दिया कि वो SA12 बूट कैंप पे जाके एक बहुत बड़ा प्रैंक करने वाले हैं SA12 मेंबर्स के साथ। तो उन्होंने ये बोला कि जो प्रैंक है वो डेंजरस प्रैंक होने वाला है और वो बहुत कम यूट्यूबर्स ने किया है। जिन भी यूट्यूबर्स ने किया वो बड़े यूट्यूबर्स हैं और उन्होंने भी इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। और उन्होंने ये बोला कि इस प्रैंक के लिए जितने भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उन्होंने सब कुछ अरेंज कर लिया है। तो लेट्स सी कि गाइस 8-bit गोल्डी की तरफ से अपन को ये कब तक डेंजरस SA12 पे प्रैंक देखने को मिलता है। अपने अगली जो गाइस जोनाथन को लेके। तो गाइस जोनाथन से किसी ने ये बोला कि किसी ने बोला है कि 1 से लेकर 9 के बीच में पबजी मोबाइल इंडिया आने वाला है। तो जोनाथन ने इस पे रिएक्शन देते हुए ये बोला कि कोई भी जो डेट दे रहा है उन पे बिलीव मत करना, उनको सब कुछ पता है और जो भी डेट दे रहे हैं वो मार्केट में सबके सब फेक है। अपनी अगली जो गाइस मांबा को लेके। तो गाइस मांबा जब लाइव कर रहे थे तो उनकी गलती से 28 डेज की रेवेन्यू लीक हो गया है। तो गाइस रेवेन्यू कितना है वो आप मेरी मोबाइल स्क्रीन पे अभी देख सकते होंगे डॉलर के अंदर। तो गाइस ये रेवेन्यू इंडियन रुपीस के अंदर अराउंड 22 लाख है। तो गाइस ये 28 डेज की अर्निंग है। तो गाइस मैं तो शॉक हो गया था। गाइस आपको इस पे क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अपनी अगली जरिए गाइस डायनामो को लेके। तो गाइस आप सभी को पता ही है कि रिसेंटली डायनामो ने डेट दिया है गेम को लेके। डायनामो ने ये बोला था कि डबल डिजिट के अंदर ट्रेलर आएगा और सिंगल डिजिट के अंदर गेम आएगा। और गाइस इसके बाद बहुत सारे आर्टिकल्स ने छाप दिया है कि अप्रैल मंथ के अंदर तो ट्रेलर आएगा और मई के फर्स्ट वीक के अंदर गेम आने वाला है। बहुत सारे ऑडियंस को भी यही लग रहा है कि इन्हीं डेट्स के अंदर गेम आने वाला है। तो गाइस मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो डायनामो है उन्होंने यहाँ पे कोई भी मंथ मेंशन नहीं किया है। अब वो मंथ अप्रैल भी हो सकता है, मई भी हो सकता है, जून भी हो सकता है, वो कोई सा भी मंथ हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि वो अप्रैल मंथ हो क्योंकि गाइस इतना जब वेट किया है तो फाइनली अपन और वेट कर सकते हैं और देखते हैं कि अपन को कब तक पबजी मोबाइल इंडिया देखने को मिलता है। अपनी अगली जो गाइस वो भी डायनामो को ही लेके। तो गाइस डायनामो जब स्ट्रीम कर रहे थे तो गलती से उनका चैट रेवेन्यू लीक हो जाता है जिस दिन वो स्ट्रीम कर रहे थे। तो चैट रेवेन्यू उस दिन उन्होंने कितना अर्न किया था वो आप देख सकते हो, वो थोड़ा अराउंड 35,000 रुपीज। अपनी अगली जो गाइस स्लेयर को लेके। तो गाइस स्लेयर ने इंस्टाग्राम पे अपडेट दिया है कि वो भी फैमिली और पर्सनल वर्क के कारण स्ट्रीम नहीं कर पा रहे हैं और वो बहुत जल्द वापस स्ट्रीम करेंगे रेगुलर। तो लेट्स सी कि स्लेयर कब तक YT पे वापस रेगुलर स्ट्रीम करते हैं। अपनी अगली जो गाइस पबजी मोबाइल को लेके। तो गाइस पबजी मोबाइल के अंदर एक ग्लोबल इवेंट बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है 11th of May को। अपनी अगली जो गाइस अंकित पंत को लेके। तो गाइस अंकित पंत की ई स्पोर्ट्स अर्निंग की एक रिपोर्ट निकल के आई है जिसमें उनकी ई स्पोर्ट्स अर्निंग बताई जा रही है $4,759। अपनी अगली जो गाइस SA12 YouTube चैनल को लेके। तो गाइस SA12 ने फाइनली कंप्लीट कर लिया 400 के सब्सक्राइबर्स। अपनी अगली जरिए गाइस थक को लेके। तो गाइस थक ने ट्विटर पे ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बात करी स्मार्टफोन कंपनीज के बारे में। उन्होंने बोला कि जो मोबाइल कंपनीज है वो इंडियन ई-स्पोर्ट्स के अंदर उनका इंटरेस्ट नहीं है स्पॉन्सरशिप्स के टर्म्स में। उन्होंने बोला कि इंडिया ने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है व्यूअरशिप के अंदर इन कुछ सालों के अंदर। गाइस इस पे आप सभी का क्या सोचना है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अपनी अगली जरिए गाइस रौनक को लेके। तो गाइस रौनक से ये पूछा कि आप यूट्यूब पे इतने ज्यादा इनएक्टिव क्यों हो। तो रौनक ने इसका रिप्लाई देते हुए ये बोला कि उन्होंने वापस ग्राइंड करना चालू कर दिया इसलिए वो रेगुलर स्ट्रीम नहीं कर पा रहे। अपनी अगली जो गाइस वॉरमेनिया को लेके। तो गाइस वॉरमेनिया ने इंस्टाग्राम पे बताया है कि कुछ अमेजिंग आने वाला है इंडिया के लिए उनकी तरफ से। तो लेट्स सी कि वॉरमेनिया की तरफ से हमको क्या कुछ देखने को मिलता है। अपनी अगली जो गाइस हस्तर को लेके। तो गाइस हस्तर ने इंस्टाग्राम पे पूछा पब्लिक से कि वो रिएक्शन वीडियोस लेके आए या स्टोरी नाइट। तो ज्यादा का जनता ने रिएक्शन वीडियोस को चूज किया। तो गाइस देखते हैं कि हस्तर की तरफ से हमको और कब तक रिएक्शन वीडियोस देखने को मिलती है। तो यही थी आज के लिए कुछ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी न्यूज़। में उम्मीद करता हूं गाइस आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर डेली गेमिंग न्यूज एंड अपडेट्स। तो गाइस मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। टिल देन स्प्रेड पॉजिटिविटी।